जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये दयादी साहब आए जी मुल्तान से, रियाज साहब को इन्होंने मलका वाली छत जी। जनाब ये दयादी साहब आ गए जी सर। हाँ जी आओ, ये इनका इस्तकबाल हो रहा जी। जी ये दयादी साहब का, ये दयादी साहब आए जी मुल्तान से लाहौर अपने शिगिर्द की छत पर, तो आज विजिट करेंगे। ज़ैदी साहब आज विजिट करेंगे जी, मुल्तान सुल्तान साहब आए हैं, चेयरमैन मुल्तान सुल्तान। तो ये ज़ैदी साहब हैं, ये रियाज साहब हैं, ये बाकी इनके दोस्त हैं जी। अपना ज़रा तारफ कराते जाएं। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। इरफान साहब ठीक हो गया जी, आप बॉस? इमरान। इमरान ठीक हो गया। ये साथ मेरे भाई रियाज जी, ये इनका नाम दिलदार शाह आ रहे हैं दो दिन। अच्छा ठीक है जी। जी आप सर? तकीर हुसैन भट्ट। तकीर हुसैन भट्ट साहब ठीक हो गया जी। तो ये बेटा जी रियाज भाई का, ये उस दिन मेरे साथ ही था जी माशाल्लाह। जी आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आने दे। ज़ैदी साहब आ जाए जी मुल्तान से माशाल्लाह, ये खुद भी बड़े अच्छे हैं और ऊपर से जो शिगिर्द किया ना रियाज साहब, वो भी बड़े अच्छे हैं जी माशाल्लाह। ये रियाज साहब के दोस्त आ रहे हैं साथ में। जी वालेकुम अस्सलाम जी, आजे आजे जी। रियाज साहब इनका नाम बताते जाएं। ये मेरा नाम मेहर सईद है जी माशाल्लाह। जैसे खुद है ना रियाज साहब, वैसे ही इनके दोस्त भी माशाल्लाह बहुत नफीस हैं। सभी दोस्त बहुत नफीस से हैं, सादा से, और बहुत समझे के। ये दयादी साहब जी मुल्तान से, उस्ताद दयादी साहब। उस्ताद जी क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं जी। उस्ताद जी आज तो लंबा सफ़र किया आपने जी। जी ठीक हो गया ठीक हो गया। ये ऊपर इनकी छत है जी माशाल्लाह। रियाज साहब ये बड़ा जाल ऊपर रखा हुआ है आपने, चिड़ी मारी करते हैं क्या? चिड़ी मारो। अच्छा जाल ये रखो, कबूतर ताड़ा कोनी को देगा। हाँ सही है सही है सही है, बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है। अरे साहब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा जी, बहुत खुशी हुई जी। मैंने मेरे मुर्शिद मेरे घर आए ने जी, मैंने बहुत खुशी हुई जी माशाल्लाह। बहुत ज्यादा खुशी हुई, सैयद बादशाह ने मेरे वास्ते बहुत खुशी दा देने आज जी माशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, ठीक हो गया। तो इनको आप कबूतरों को शौक करवाएंगे अपने कबूतरों का? जी सारे जब आए और कुछ बातें इनसे पूछेंगे, सवाल जवाब भी करेंगे। नहीं जी क्या सवाल किथे कर सकेंगे जी। चलो मेनू इजाजत दे जरा। बागी लाई है, बागियां लग गई पहले छत बनन तो पहले। अच्छा तो कबूतर को नहीं है? अच्छा कबूतर 5-6 है था। अच्छा गया थी अपना मांगे 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 चार बंदे गया। अच्छा वो तो थानू पता लगा 40 रुपए का कबूतर साडा सौदा हो गया, 40 कबूतर जी। साथ सीधा अल्लाह जन्म रसीब करे, कवे पाल वो एक कवे नहीं पानी। अच्छा मैं क्या यार पाओ वे। अच्छा जिसे लो पाली एडे एडे बाल सन निके निके छोटे 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 8-8 10-10 साल दे। हां जी मैं चंगी तरह याद है, मैं वो मेनू आंदे ने चाचा जी ਅਤੇ ਤਾਂ ਮਾਦੀ ਲਈ ਹੈ ਪਾ ਜੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਛੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਛੇ ਤੋਂ ਪਾਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਾਰ ਘਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਪੱਕੀ ਪੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਤੇ 8 ਵਜੇ ਬਵੇ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਸੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ, ਕੋਈ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੜਬੀਏ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਸਤਵਾਂ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ 200 ਰੁਪਏ ਫੀ ਭਰ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲੱਗ ਜਨਲ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪਾਓ 200 ਤੇ ਨਾ ਅਰੇ
ਕਬੂਤਰ ਘੱਟ ਪਾਇਆ 200 ਸਾਡਾ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਚੱਲ 8 ਵਜੇ ਬੈ ਪਹਿਲੀ ਬਾਦੀ ਡਾਈ ਏ ਜੇੜ ਦੀ 15 ਦੀ ਅੱਛਾ ਗੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਫੇ ਪਰਾਂ 6 ਵਜੇ ਤੇ 22 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬੈਠੀ ਇਹ ਇਹ ਮੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਸੰਨ ਸੀ ਸੰਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 2009 ਸੀ 2009 ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਸਬਦਰ ਭਾਨ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉੱਡੀ ਬਾਜੀ ਸਬਦਰ ਭਾਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਾਜੀ ਸੀ ਆਹਾਂ 9 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 9 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਚਲੋ ਕਿਤੇ 60 ਦੀ ਲਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮਕਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲੀ ਛੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 2006 ਚ ਮੈਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਇੱਥੇ ਫੇਸ ਵੱਲ ਕਿੱਥੇ ਤਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਉਹ ਯਾਰ 2000 ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਛੱਤ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ 2002 ਚ 2 ਚ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ ਆਸਫ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਡਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਨ ਭਾਈ ਦੇ ਛੱਤ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਈ ਘਰ ਗੁਲਦਸਟਾਉਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਆਸਫ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਛੱਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਮ ਸੇ ਹੈ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਮ ਸੇ ਹੈ ਜੀ ਤੋ ਕਬ ਸੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਇਹ 2009 ਸੇ 2009 से तो क्या है आजकल क्या परफॉर्मेंस पूरे 2009 से लेके अब तक अच्छा कौन सी है अच्छा हार जी तो पार्ट ऑफ गेम हारते भी जीतते लेकिन अच्छा रिजल्ट है अच्छा रिजल्ट है मजा है हाँ अगर जीते तो फिर मजा होता है हारे तो फिर मजा नहीं होता हारे हारे तो मजा नहीं होता फिर गेम में अच्छा जीत के फिर मजा आता है फिर इंटरेस्ट होता है गेम में सही है हार के अभी बंदे कहते हैं बंदे को नहीं जीत ही जो होती है जॉन सी उसमें बेहतरी लाती है शौक सही है आगे लेके आता है अच्छा तो ये आपने जितने भी सीजन डाले हैं जेठ के डाले हैं जी सर ओनली टोटल जेठ जेठ ही डाले अच्छा कोई नहीं है अशुभ सा चेतन काम शाम करता हूं तो अच्छा काम में मसरूफ है ठीक हो गया ठीक हो गया तो बाकी ये हमारे सही साहब है जी ये लाला जी इधर आ जाओ जी जी ये हमारे जनाब चैंपियन जी हमारे चैंपियन ये ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ सही साहब आपके अच्छा ये खान साहब आए हैं यार ये तो थोड़ा सा लेट हो गए लेट हो गए अच्छा इनसे जरा इनका तारफ करवा दें आप जी खान साहब क्या हाल चाल है आप थोड़ा सा लेट हो गए थोड़ा सा नहीं काफी लेट हो गए आने में थोड़ा सा मसला हो गया राशन वगैरह बहुत ज्यादा तो मैं मिश्री शाह से आया हूँ अच्छा माशाल्लाह तो यहाँ पे भी कर रहे हैं वहाँ पे भी है मिश्री शाह में भी है अच्छा अच्छा लेकिन कबूतरबाजी कहाँ कर रहे हैं कबूतरबाजी यहीं पे कर रहा हूँ अच्छा हाँ जी हाँ जी रियाज साहब के पास ही जी ये रियाज साहब भाई है हमारे बड़े अच्छा रियाज साहब ने जोड़े लगाए हैं आपके जी 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 रियाज साहब की शौकत है हमारे पास अच्छा करते हैं सही है जो भी है रियाज साहब ने बस रिजल्ट कैसा जी आपका अच्छा रिजल्ट है बहुत माशाल्लाह अच्छा नहीं जो बच्चे हैं जो बेबी पिजन है हाँ जी हाँ जी बेबी पिजन अच्छे हैं परसों एक बुरा था जैसे अभी भाई ने बात की थी कि दाना लेते हुए बाप के पीछे उड़ गया वो तकरीबन आधे घंटे बाद घर आया वो अच्छा आके फिर उसने दाना लिया अच्छा हाँ जी तो ऐसा रिजल्ट है अब इससे आगे तो रिजल्ट नहीं जा सकता बिल्कुल सही है माशाल्लाह अच्छी ब्रीड उन्होंने जो है ना उन्होंने जोड़े लगाए अच्छी ब्रीड है वेरी गुड जी वेरी गुड अच्छा आसफ भाई आपकी किन से ज्यादा बाजियां लगती हैं हमारी जी रियाज पार्टी है अच्छा साकब पार्टी उनके साथ और भाई चेयरमैन साहब की थड़े की बाजियां लगती हैं उनके साथ अच्छा 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 हमारी ये मेरे उस्ताद है चौधरी सखी मोहम्मद पट्टी साहब हाँ ये भी तो बताया सही है कुकू साहब और सेलन साहब है ये पार्टी हमारी बहुत शमस पार्टी है ठीक हो गया तो हम यहाँ पे शौक करते हैं बस मैं होता हूँ एक बिलाल भाई है जो पीछे बैठे हैं मेरे साथ अच्छा अच्छा ये छुप के बैठे हुए जी जी सही है तो हम खुद ही शौक करते हैं तो बंदे बुंदे हैं लेकिन ज्यादा इंटरेस्ट हमें दोनों को ही है बस बिलाल अच्छा खुद ही डरते हैं सही है बाकी मेरे दोस्त हैं सारे तावत बहुत करते हैं बच्चे वगैरह भेजते हैं राणा कुकू का बड़ा अच्छा रिजल्ट हम छोड़ते हैं बच्चे अच्छा शेर अंसार खान से चोई साहब से अच्छा रिजल्ट है दोस्तों यारों से मेरे काफी तावन करते हैं बच्चे खुद ही छोड़ के जाते हैं बड़ा अच्छा रिजल्ट है शहजाद साहब उनका बहुत अच्छे ज्यादा तादाद में उनके मेरे पास कबूतर है आफ़ शहजाद गुलबर्ग वाले ना डिफेंस पे रहते हैं जी 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 उनका बहुत अच्छा रिजल्ट वो देखा होगा आपने मेरे साथ ही होते हैं जी मैं गाड़ी बाइक खड़ी थी ना बाइक जी 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 सही हो गया सही हो गया
जी खान साहब, ये कुछ बताएंगे इनके बारे में जो रियाज साहब ने आपके? रियाज साहब ने माशाल्लाह अच्छे जोड़े लगा के दिए हैं, 8-10 जोड़े लगाए हैं और माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट है उनका। बस इससे आगे नहीं जा सकते। अच्छा, हाँ जी ठीक है। वो छोटा सा बच्चा उड़े और घर आ जाए, उससे पहले भी एक जोड़े की पट्टी उड़ी थी, 4 दिन बाद घर आई है। अच्छा माशाल्लाह, इसी उसमें ख्वार होकर 4 दिन बाद घर आके बैठी है वो। तो वो अभी 10 पर साफ होगी इंशाल्लाह, अभी उड़ाएंगे उसको सीजन में। तो अभी छोड़े हुए कबूतर, जैसे जो अल्लाह की मर्जी फिर आगे होगा। फिर ठीक हो गया जी। सही साहब जी, सही साहब सईद बापटा वाले जी, आप तो मेरे ख्याल से बड़े समझे गर्म खिलाड़ी हैं। नहीं, नहीं, जैसे है। जैसे बापटा की तारें गर्म होती है ना, जेठ भी कह रहे हैं, हाड़ भी पार्टी दे नाल जो भी साधन उस्ताद फैसला करन उहनां नाल चलना चाहिए, अपनी पार्टी नूं सपोर्ट करनी चाहिए। उस्ताद कवे देने ते असीं कहीए देने, उस्ताद कवे राहत ते कहीए राहत। उस्ताद कहिड़ा तुहाडा उस्ताद? असीं तेरा नदीम बशीर साहब। अच्छा 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 अच्छे अच्छे वो खिलाड़ी हैं, अच्छे नदीम बशीर साहब अच्छे खिलाड़ी हैं। उस्ताद असीं उहनां दा धड़ा नहीं छड्डदे। अच्छा, नुकसान होवे ते जां फायदा होवे, ठीक है उस्तादां दे नाल चलना चाहिए। मजा ही है, मजा ही है। मेरा शौक हुंदा सी कदी के दिल करदा सी मैं सखी पार्टी उहदे इक बंदा जिहड़ा नां लिया उहनूं मेरे पसंद दा नहीं सीगा, उहदा नां सेल निसार खां। कबूतर चेक करन आया आइंदा सी जिहनूं अपना नहीं पता वी मेरे चंगे ने के भैड़े ने। अच्छा, तुसीं कप वी अगों डा रहे हो? कप मेरी हर साल कपां च एंट्रियां हुंदियां ने। नहीं, अपना अपना जाति वी डांदे हो? डाया सी अपना डाकटार दा कप डाया सी, उहदे च विनर मैं आप ही होया सां। आप ही विनर होई बाहर नहीं जान देना। डकडार दा लाया सी उन्हें जमेर साहब भाई प्रवास कबूतर लाया सी। अच्छा, ते एक सही पार्टी दा सी शगिर्द सी जुल्फकार भट्टी, मेरी गुफी का लड़का ओ दूसरे नंबर ते आ गया सी। पहले नंबर ते आ गया ओए, तानू गुस्सा चढ़िया होणा कि पहली प्रवास हिट प्रवास क्यों लै के जाए? खुशी होई सी, सारे इकट्ठी होते हैं। अच्छा, गल की मैं तुहाडा नाम भुल गया। सुलेमान, सुलेमान साहब एससी चेयरमैन पार्टी है हरीफ हां। यार मैनू बड़ा मजा आया, मैं तुहाडी गल टोकना यकीन करो कि सारे ही वेखो चेयरमैन पार्टी भी नदीम बशीर भी सही पार्टी भी सारे कट्ठे बैठे ते उधरों ज़ादी साहब भी कट्ठे हैं। असी ऐने पार्टियां वखो वख हैं। ए रियाज साहब दी, रियाज साहब दी सारी मेहनत है, ए गल मननी पेगी तां भरा छोटा जी। असी रात नूं कट्ठे बैठदा, वेरी गुड, कोई किसे नूं कोई तरन वाली गल नहीं, वेरी गुड। दिन भी कट्ठे ते रात नूं भी कट्ठे, मजा है ना? मजा ही। ਮਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ 24 ਜੋੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਕਢਾਓ ਤੇ ਡਾਓ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਡਾਓ। ਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਹਿਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨ ਤਾਂ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਵੇਖੋ ਸਲੂਕ ਇਤਫਾਕ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਰੀਫ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਸਮਝੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਯਾਰ ਤਗੜੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਕੋ ਜਾਓ ਤੇ ਮਦਦ ਫੇਰ ਮਾੜੇ ਕੋ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਮੀ ਕਮੀਨ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਬਾਤ, ਉਸਤਾਦ ਕਬੂਤਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਐਵੇਂ ਜਾਣ ਕੇ ਰਹੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਲ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸੁਣੇ ਲਾਈਵ ਚਲੋ, ਇਹ ਸੇਲ ਖਾਨ ਨੇ ਜੋ ਹੀ ਸਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੀ ਸਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਜਲਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਕਬੂਤਰ। ਜੋੜੇ ਆਣ ਕੇ ਲਾਈਆ ਬੱਚੇ ਲੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇਗਾ ਲਾਈਆਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ ਚ। ਬੜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ
बिलकुल सही गए। लो जी अगे आईये अपना बड़े प्यारे दोस्त ने इमरान साहब ते इरफान साहब दोवे भाई ने ते ओ पता नहीं मेरे ख्याल ओ दूर बैठे ने अंदर ते दादी साहब उन नाल बाद च जावांगे। जी जनाब ताडा की मौकफ है? मेरा कुछ मौकफ नहीं है, मैं छत बनाई नवी। अच्छा माशाल्लाह। हुन शो करना जेड़ दी बारी उड़ावा जेड़ दी ही वेरी गुड। कोशिश बेहतर छत तैयार करने पे कबूतर का फिर से तो रखे ने लेकिन बादियां दा बादी नहीं सौड़ा ने। ठीक 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 ना इसकी ऐस सीजन असी करांगे तैयारी इंशाल्लाह 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 अल्लाह ताला। नहीं नहीं सर मैं तो ठीक हूं। नहीं 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 दो जरा अंदर साल इंशाल्लाह जरा आ रहा जेठ से इंशाल्लाह छह अच्छे दी उम्मीद है की है अल्लाह ताला जो बेहतर करे जो बेहतर करे। क्योंकि हर बंदा कहंदा ये ऐसा ऐसा जो इज्जत अल्लाह ताला ने देनी जो अल्लाह ने मंजूर है होना तो हो ही है होना तो हो ही है। हर कोई कोशिश करता हर कोई मेहनत करता ठीक है तो जो अच्छा होगा तो फिर अच्छा होगा सही अल्लाह ताला खैर करेगा अल्लाह बख्श करेगा। जैदी साहब आप इन दोस्तों को देख के आपकी तरफ आता हूं आप इन दोस्तों को देख के इकट्ठा सभी सारे जैसे आप मुल्तान में मैं जाता हूँ अक्सर ही वीकेंड में हम चले जाते हैं दो तीन हफ्ते हो गए हैं हर वीकेंड में जाते हैं हम वहाँ देख के ना जैसे मैंने वहाँ देखा माहौल यहाँ लाहौर का मैंने पहली दफ़ा देखा ऐसा माहौल जो ना सभी पार्टियाँ इकट्ठी बैठी हुई हैं। वहाँ तो मैंने देखा वो जिनसे आपकी वो क्या नाम है डोगर साहब आपकी बाजियाँ तय हो गई हैं माशाल्लाह और कप भी उड़ रहे हैं आगे जो जो बाजियाँ लग गई हैं तो वहाँ तो मैंने देखा था लेकिन यहाँ भी मैं देख के आप यहाँ ये इस पार्टी को इस मेजोरिटी को देख के आप क्या महसूस करते हैं? बड़ी खुशी की बात है में पार्टी बाजी थोड़ी सी ज्यादा है लेकिन यहाँ पे आज नया इत्तेफाक हुआ है कि जैसे मेहर साहब बैठे हैं चेयरमैन पार्टी से फिर आसिफ भाई है जो उस्ताद साहब पार्टी से और शमसदब से फिर खान साहब का अभी पार्टी जो है बना रहे हैं ये रियाज साहब पार्टी ये आपकी पार्टी है और मलिक रियाज साहब का नाम बड़ा मशहूर है उनकी पार्टी है जी 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 नहीं आपकी पार्टी है ये अपना कहे ना जी वो शिगर्द हो गए खान भाई ये नदीम बशीर साहब की शकील थे जी। और जैसे मैंने यहाँ पे देखा यही होना चाहिए यही होना शौक चाहिए। का जो असल बुनियाद थी ना वो यही कल्चर था यही था जो अब पार्टी में तकसीम हो गया बिल्कुल और एक दूसरे की पार्टी को मतलब है साथ बैठना भी पसंद नहीं किया जाता और यहाँ पे मुझे बड़ी खुशी हुई अगर आप यूँ कैमरा घुमाएं इधर से मैं बताता हूँ कि ये अपना मेहर साहब हैं ये मेहर साहब चेयरमैन पार्टी से हैं इनके साथ आसिफ भाई बैठे हुए हैं उस्ताद सखी पार्टी बाबू शम्स दफ से हैं फिर अपना खान साहब की मलिक रियाज पार्टी हो गई आपकी पार्टी होगी ना उस्ताद जादी पार्टी मुल्तान सुल्तान बोले ना नहीं नहीं पूरा नाम नहीं अपना पूरा नाम पहले बताएं मुल्तान सुल्तान पार्टी होगी जी माशाल्लाह फिर अपना सईद मिस्त्री दीन पार्टी मिस्त्री दीन साहब माशाल्लाह नदीम बशीर के शागिर्द जी माशाल्लाह फिर अपना इमरान भाई आ गए हैं जी मियां नजीर पार्टी वेरी गुड और जनाब इधर से मोची के भी बैठे हुए भट्ट साहब जो है जी 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 सारे शौकीन जमा है तो यही यही चीज होनी चाहिए जी कबूतरों का शौक होना है तो बंदों ने जो है फाइट कबूतरों ने करनी है बंदों ने नहीं करनी बिल्कुल ऐसे ही है ठीक है ना जी। और देखिए दूसरी बात यह है कि अगर आपका अच्छा मुद्दई नहीं है ना कोई तो फिर समझे आपका शौक भी अच्छा नहीं है अच्छा नहीं है बिल्कुल सही है तो आप अपने मुद्दई को भी मतलब दुआ करें कि उसको अल्लाह सेहत भी दे तंदुरुस्ती भी दे जी जो भी आपका मुद्दई है
जी वो है तो आपका शौक भी उसके साथ चल रहा है ना? बिल्कुल चल रहा है। और हम ये होते हैं कि पता नहीं अल्लाह के रात को उसके खुटे पे बिजली गिर जाए तो सुबह बस हम ही हम हो, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं। परिंदा है, मासूम जानवर है, उनको भी उतनी मोहब्बत है, आपको भी उतनी मोहब्बत है। बिल्कुल। तो कल्चर यही होना चाहिए। आज ये बड़े दिनों के बाद माहौल मिला ये वाला जी, माशाल्लाह। हम भी वहाँ पे बैठते हैं तो जिनसे बाजी लगती है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, चाय शाय पी रहे हैं, गप्पे लग रही हैं, तो साथ शौक की सोना वे भी खा रहे हैं। तो सही बात है। और पहले वक्तों में जहाँ स्टार्ट हुआ था ना ये मुगलिया दौर में, फिर नवाबों का शौक रहा, ये सबका ये कल्चर यही था। वहाँ ये कोई पैसे पूसे नहीं लगते थे बाजियों के जी। वहाँ होता ये था कि एक जुमा आपने उड़ाना है, सही है, तो सारों को दावत है उधर, सही है, सब लोग आ जाए। वो देखें शेखें पूरी चढ़ जाती थी, 1000 का मजमा, 2000 का मजमा, रात को उनका क्याम स्टे वगैरह सब अरेंजमेंट है, सही है। अगले जुमे को उन्होंने जाना है उधर, सही है, सब ने, और फिर उन्होंने देखना है। वो 100 कबूतर उड़ाते थे वो, सही है, सही, और उनके टाइम भी नोट करते थे वो। तो उसमें यही होता था कि इकट्ठे मिल के बैठ गए, गप्पे शप्पे हो गई, नए लोगों से तारुफ भी हो गया और नई दोस्तियां भी बन गई। बिल्कुल। और फिर लोग गिफ्ट में कबूतर देते थे एक दूसरे को। बिल्कुल सही, ठीक है। तो अभी ये हुआ है कि कबूतर तो बहुत उनका मयार बुलंद हो गया है। बिल्कुल सही है। लेकिन क्या बंदों का मयार नीचे आ रहा है और कबूतर का मयार ऊपर जा रहा है? ये खतरनाक चीज है। पहले जो था कबूतर का मयार शायद इतना बुलंद नहीं था, लेकिन बंदों का मयार बहुत बुलंद था, बहुत बुलंद था। तो हमें उस कल्चर की तरफ जो है ना वो जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो क्योंकि हमारा ताल्लुक लोगों से है, परिंदे सबके पास है, हर की कोशिश करता है, इसमें कभी हार्ड लक भी हो जाती है। परिंदा आया ऊपर से, शाम को आया, रात को नहीं बैठ सका, टावर पे बैठ गया, साथ बैठ गया, ये हो जाता है, ये बैड लक होती है। तो ये, और दूसरा ये है कि जैसे अभी आप लोग बात कर रहे थे जेठ की, कि शौक जो सख्त शौक है ना वो जेठ का ही है, जेठ का ही है। अच्छा, और ये यहाँ पे हम चले जाएं लाहौर से ऊपर की बेल्ट चले जाएं आप, खारिया गुजरात और सारे गुजरांवाला साइड पे, सियालकोट साइड पे, यहाँ पे शौक लंबे हो गए हैं, चेत्र से शुरू होते हैं, फिर साख आ जाता है, फिर जेठ आता है, और बहुत सारे लोग जेठ में कबूतर जाहिर कर बैठते हैं। लेकिन जो मुकाबले असल हैं, बड़े चैंपियन जो कबूतर उड़ते हैं वो जेठ में ही उड़ते हैं, और पता भी कबूतरों का जेठ में ही चलता है, खिलाड़ी का भी और उस्ताद का भी और परिंदों का भी। तो लेकिन शौक बढ़ गए हैं माशाल्लाह से, और अच्छे शौक हो रहे हैं। उसमें बस यही है कि एक दूसरे के साथ आप इखलाक से पेश आएँ, सही है। और इसमें मेरी एक रिक्वेस्ट होगी सब दोस्तों से, आप लोग भी बैठे हैं सब, पर हम भी उसी को फॉलो करें, इसमें चीटिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ, बड़ी बात, बड़ी बात। इसमें अगर आप चीटिंग कर रहे हो ना तो फिर आप कबूतर का हक मार रहे हो। बिल्कुल सही है। किसी दूसरे का हक मार रहे हो। बिल्कुल सही है। और वो आपको शायद अंदर से उस जीत की दिली खुशी नहीं होगी। बिल्कुल सही है। अगर आप जीत भी जाएंगे ना तो उसकी दिली खुशी नहीं होगी। तो काम वही करें जो जो है, हार जीत होती रहती है। बिल्कुल सही। इसमें कोई भी आप नंबर दो काम ना करें, ना करें, तो मुनसिफ अच्छे भेजें। सही है। मुनसिफ को अच्छा मुनसिफ भेजना भी मैं समझता हूँ एक अच्छे खिलाड़ी की जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही। क्योंकि मुनसिफ का समझदार ना होना भी कभी आपका हार का बाइस बन जाता है। बिल्कुल सही। कबूतर ऊपर से गलत आ रहा है, सही आ रहा है, ये मुनसिफ का काम है। तो ये चीज़ें भी मुनसिफ देते हुए हम कोताही करते हैं, सभी करते हैं, कि जिस बंदे को नहीं भी पता, अभी नया नया आया तो उसको भेज दिया, उसे बता दिया जी इतने बजे उड़ने हैं, अब उसको पहचान नहीं है कौन सा कबूतर गया, कौन सा कबूतर आ रहा है। तो मुनसिफ जो है ना वो समझदार भेजने चाहिए। जहाँ बाजियाँ लगी होती हैं या मुकाबले टफ होते हैं वहाँ मुनसिफ अच्छे ही जाते हैं। लेकिन जाहिर है अभी पूरे पाकिस्तान में शौक हो रहे हैं, हर छोटे छोटे इलाकों में शौक हो रहा है। आप उधर चले जाएँ हमारे वहाँ पर हासिलपुर, भावनगर, भावलपुर, विहाड़ी, बूरे वाला, इधर से मुल्तान, खाने वाल, कबीर वाला, और ये ओकाड़ा तक जो है साईवाल, और ये बेल्ट पूरी है, पाक पतंगी फैली हुई पूरी बेल्ट है। यहाँ बहुत ज़्यादा शौक है, और यहाँ पे दोनों शौक हैं, हाई फ्लायर भी है और लो फ्लायर भी है। लो फ्लायर भी है। तो उसमें मतलब है शौक, मैं बस देखता हूँ कि बहुत सारे छोटे गांव हैं हमारे, जो ये जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, देहाती इलाके हैं, छोटे इलाके हैं ये, और इनके शौक बहुत अच्छे हैं। सही है। और बड़े छतें भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा होती हैं, और दोनों तरह के वो शौक करते हैं। तो इसी शौक की वजह से ये कबूतर ब्रीडिंग के अंदर जो अभी आया है शौक लोगों को, ये भी इस शौक की मरहूने मिन्नत है। इसमें लाहौर के और कसूर के खिलाड़ियों का बहुत कारनामा है, अंजाम दिया उन्होंने। लेकिन एक चीज़ को हमें रद्द नहीं करना चाहिए, जो मैं देखता हूँ एक थोड़ी सी चपकली चलती है लाहौर के और सियालकोटी कबूतरों के, या कसूरी या सियालकोटी कबूतरों के,
सियालकोटी कबूतर भी जो है ना ये बुनियादी कबूतर है, ठीक है। और अगर आप टैडी को भी देखें तो इसके इसके पीछे जो है वो नॉर्मली एक मिस्से कबूतर का जिक्र आता है, लेकिन मिस्से के अलावा भी इसके पीछे कबूतर है, इसके पीछे कमकर कबूतर भी है और अली वाला कबूतर भी है, बिल्कुल सही। तो ये एक कम्बिनेशन है, अगर खाली मिस्से कबूतर होते तो सारे कबूतर जालदार होते हैं टैडी, बिल्कुल सही। कहीं कहीं आए हैं वो जालदार, और जालदार भी अगर होते तो इन पे सब वो होता जो शेड होता है, जामनी शेड ना होता, तो जामनी शेड बताता है इनमें फिरोजपुरी पर आया पीछे से, बिल्कुल सही। सबसे पर बताता है कि अली वाला पर आया इनमें, मिस्सा कबूतर इटसेल्फ बताया जाता है कि आया, और जो लाल डोरा आ रहा होता है ये कमकर कबूतर की तरफ से है। ऐसे तो ये कम्बिनेशन है, मतलब सियालकोटियों का और हमारे कसूरी कबूतरों का, उससे ये जो है टैडी कबूतर वजूद में आए हैं। हाँ, ये स्मार्ट कबूतर है, बैलेंस कबूतर है, वेटलेस है। वेटलेस इसलिए कि गोश खोरे नहीं है, मुराद ये है कि ये नहीं कि वेट नहीं है, गोश खोरे नहीं है, हड्डी का स्ट्रक्चर अच्छा है, मजबूती है, और परवाजें इनकी ज़्यादा हैं। इनको परवाज कम करने के लिए भी फिर आपको जरूरत पड़ती है दोबारा से सियालकोटी कबूतरों को, बिल्कुल सही। कि अगर इनको आपने असू में या वैसाख में आप उड़ाते हैं तो वो शायद ये नहीं बैठेंगे, बिल्कुल सही। फिर उनको ट्रिम करना पड़ता है, सही। तो फिर सियालकोटी कबूतर की या जौनसरों की या हमारे यहाँ वैशी ब्रीड होती थी एक ज़माने में, या बाकी कबूतर होते थे, बाकी दो तरह के हैं, एक फिरोजपुरी में से निकलते हैं उनको बाकी कहते हैं, जो यहाँ से उनका जामनी गाटा होता है और फिरोजपुरी में जामनी आता है गाटा, और दूसरे जो हमारी साइड पे होते हैं पाकबदन में वो होते हैं जौनसरे कबूतर हैं, वो भी वैशी कबूतर हैं, सही है। तो फिर हर एक ने अपने अपने इलाके के हिसाब से, और ये भी ज़रूरी चीज़ है, आप अपने इलाके का टच ज़रूर दें, बिल्कुल सही। कबूतर जो भी आपने बनवाना है अपने इलाके के हिसाब से बनाना ज़रूरी है आपके लिए, बिल्कुल सही। भले उसमें आप टैडी पर दें, भले आप उसमें कमगर पर दें, तो वो इलाके की भी कुछ थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है। कहीं पे कबूतर सामने रहे तो खतरे में से बचा रहता है, कहीं पे कबूतर जीरो में जाए तो खतरे से बचा रहता है, जहाँ खुश्क इलाके हैं, गर्म इलाके हैं। अब ये मियां मालिक में जो देखें माशाल्लाह से अकमल खान के हैं, या मीर मुख्तार के हैं, या मीर आजम खान के हैं, या उनके जो हैं उमर हयात हैं और लोग हैं, इनमें बटेरे कबूतरों का काफ़ी क्रॉस है इनके इनके कबूतरों में, सही है। लेकिन उसमें हम टैडी को भी नहीं भूल सकते, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसमें हम कमकर को भी नहीं भूल सकते, उसमें अली वाले बटेरे छत वाले कबूतर उसे, अब उन्होंने देखो इलाके के हिसाब से उसको डेवलप किया। ये अच्छी एक एग्जाम्पल आ गई है जहन में समझाने के लिए। उन्होंने आपको वहाँ पे टैडी कबूतर उड़ता हुआ नजर नहीं आएगा आसिफ भाई, वहाँ पे आपको जो है डायरेक्ट कमकर कबूतर उड़ता हुआ नजर नहीं आएगा, बिल्कुल सही। और आपको वहाँ पे डायरेक्ट जो है वो अली वाला भी उड़ता हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन उनके क्रॉसों से हमें मालूम होता है कि वो उसमें बटेरे क्रॉस हैं, उसमें अली वाले क्रॉस हैं, उसमें छत वाले क्रॉस हैं, उसमें उनासी वाले क्रॉस हैं, सही है। तो फिर वो अपने इलाके के हिसाब से आपको वहाँ थोड़ा सा कबूतर का वजूद चाहिए। ये लाहौर से ऊपर आप जितनी बेल्ट चले जाओगे यहाँ पे वजूद जो है छोटा वजूद ज़्यादा अच्छा काम करता है, लेकिन आप साहिवाल से नीचे उतर जाएंगे तो वहाँ कबूतर का आपको एक साइज़ चाहिए, जो सीना चौड़ा हो, कद का उसका एक साइज़ हो, वो जो गर्मी में लड़ाई लड़े, क्योंकि खुश्क गर्मी है, अगर उड़ के भी आ गया तो आपको समाल में रिकवरी में वहाँ पे बहुत टाइम चाहिए होता है, बिल्कुल सही। यहाँ पे रात फिर भी कंपैरेटिवली बेहतर हो जाती है, या यहाँ रेन की एवरेज बेहतर होती है कंपैरेटिवली, उससे ज़रा ऊपर का मतलब ही साफ हो जाता है। वहाँ एक ऊपर गैस ही गन्नों की चटाई हो गई तब मटी चढ़ जाती है, आंधियाँ आती हैं, पीछे रेगिस्तान है, उधर से मुजफ्फरगढ़ और ये सारा रंगीनपुर और जंग तक पीछे एक डेजर्ट चलता है जो आगे लैया और इधर बेल्ट में सारा जाता है, बिल्कुल सही। तो लेकिन द गुड थिंग इज़ दैट कि हर जगह पे इम्प्रूवमेंट आई, बिल्कुल सही, और उनके कबूतरों के जो परवाजें हैं वो ऊपर चली गई, बिल्कुल सही। मतलब आप नॉर्मल आप किसी इलाके में भी चले जाएं तो 5 बजे से नीचे कोई अब है तो मुकाबले से आउट है वो, आउट है। तो फिर आप उस तैयारी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए, बिल्कुल। फिर उसकी देखभाल जो है वो भी आपको उसी हिसाब से करनी है, उसको मेंटेन करना है आपको कबूतर को, बिल्कुल सही, ठीक है। और जो कबूतर को जिसने अपनी कबूतर को फड़कों में बना लिया ना फिरतों के अंदर जी, जिसने फिरतों में कबूतर को अपने सेट कर लिया जी, तो उसको आगे संभाल पे कम मेहनत करनी पड़ती है, अगर फिरतों में मेहनत कर ली है, बिल्कुल सही। वहाँ पे अगर कोताही नहीं हो रही है तो बस ये एक पूरा सिलसिला है जिसमें जाहिर है अभी और भी नई चीज़ें आ रही हैं और नए उसमें पैटर्न आ रहे हैं, संभाल के तरीके बदल गए हैं, ठीक है ना जी, कबूतर को खुराक देने के टाइम बदल गए हैं और उसके मिजाज को समझना ज़रूरी हो गया है जी।
ठीक है ना जी, कबूतर को आपको तर रखना जरूरी है, सही है, क्योंकि खुश कबूतर जो होता है ना वो संभाल भी ज़्यादा मांगता है, संभलता भी देर में है, और उसको आपको अब तर रखना है, उसके लिए जाहिर है आप उसको उसकी जो डाइट है उसको उस तरीके से मेंटेन करेंगे, सही है। और नागे का आप जब परवाजें लंबी होने में, आप मैं ये भी बता दूं आपको, मैं पहले आप 25 साल 30 साल पहले चले गए हैं तो ये नागे नागे की नहीं होती थी परवाजें, ये रोज़ रोज़ की होती थी, सही है। और मुझे याद है लाहौर में तो जो है आज से कोई 16-17 साल पहले एवरेज की बाजी भी नहीं होती थी, बिल्कुल हिट प्रवाद होती थी, हिट प्रवाद होती थी पहले। तो फिर ये बात हो रही थी अभी कोई 15 साल पहले, फिर नयाब हैदर साहब से बात हुई, तो उनको मैंने कहा कि भाई आपको भी ना एवरेज की तरफ आना चाहिए, बिल्कुल एवरेज में जो है हर कबूतर का उसमें एक तो मुकाबले का कबूतर डालना पड़ता है आपको, और हर कबूतर का आपको टाइम चाहिए, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा ये बात तो सही है, यहाँ उस वक्त हिट प्रवाद होती थी, तो फिर ये बात शुरू हुई, उन्होंने बहरहाल ये इशू को उठाया, वो उस दो लिखते थे अखबार जहाँ में भी लिखते थे, तो फिर उन्होंने रमूज कबूतर पर भी किताब भी आई उनकी जी, तो उसके बाद वो एवरेज का फिर यहाँ पे भी आया। ये मुल्तान जैदी साहब, ये तो मुल्तान से आपने शुरू की ना? हाँ। पहले वहाँ थी, पहले वहाँ होती थी, पहले वहाँ थी, फिर आपने हाँ। वो बात शेयर की हाँ। नयाब हैदर साहब से हाँ। वो बातचीत हुई आपसे हाँ। फिर यहाँ ट्रेंड ये शुरू हो गया। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये अच्छी चीज़ है ना, देखें आपने अगर हिट परवाज लेनी है ना, 9 कबूतर उड़ाए या 7 उड़ाए या 11 कबूतर उड़ाए, तो आप 2 कबूतर डालें जिनका आपने जैसे हिट लगवानी है, सही है, बाकी आपके सुबह कोई बैठ गए तो आपको कोई फिक्र नहीं है, सही है, और मेहनत भी आप 2 कबूतरों पर कर रहे हैं, कर रहे हैं, या नेक्स्ट बाजी में आप वो 2 कबूतर और तैयार करके ले आएंगे, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आपको हर कबूतर तैयार करना है, यहाँ हर कबूतर, ये मेहनत तलब काम है, ये कबूतरों की खुराक का हर एक का ख्याल रखना पड़ेगा, यहाँ पे ये मेहनत मांगता है ये काम, कि आपको सब कबूतरों को ही बराबर लेना है, टाइम मैक्सिमम लेना है उनका, बिल्कुल। लेकिन अब देखो आज सेट हो गई रुकी उसके ऊपर, बिल्कुल आज वही कबूतर बैठ रहे हैं, वो सेंचुरी भी लगा रहे हैं वो कबूतर, मौसम जरा सा बारिश आ जाए जरा सा नरम हो जाएगी तो सेंचुरी हो जाती है, आज लाइटों पे कबूतर बैठते हैं, पहले लाइट पे बैठने का कॉन्सेप्ट नहीं था, नहीं था। अभी बात कर रहे थे कि 12 बजे 1 बजे जो कबूतर बैठते थे तो बस ये मोची में क्या मोजे मोजे हो जाती थी, 12 बजे 1 बजे बैठ, अभी 12 बजे का मतलब साइड कबूतर साइड पे करना पड़ता है, हां साइड पर करना पड़ता है। अच्छा, किसी दोस्त का इख्तलाफ है तो आप कर सकते हैं कोई सवाल जवाब? आसा भाई नहीं, बहुत अच्छी बातें की, अच्छी बातें की, क्या जी मैंने इसलिए कहा किसी दोस्त का इख्तलाफ भी होता है ना, कोई टैडी देखे ना, एक मुर्तब है कबूतर तैयार किया हुआ जी, लेकिन इस कबूतर को अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है कबूतर, उस्ताद चौहान सखी साहब को अल्लाह ने इस कबूतरों से बड़ा नवाजा, जाने कबूतर लोग पूछते कौन है, कहते चौधरी वाले, बिल्कुल ऐसे ही चेक करते कहते चौधरी वाले शौक देखने जाते हैं, और भी बड़ी ब्रीडें हैं, फिरोजपुरी बड़े पुराने कबूतर है, लेकिन मुरक्कब है, तैयार कबूतर है, बना हुआ कबूतर है, लेकिन अच्छा चौहान सखी साहब के पास आके अल्लाह ने इसको नवाज दिया, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, माशाल्लाह, ये इज्जत अल्लाह ने उनको बख्श दी, अल्लाह ने इज्जत बख्शी, आज जो अल्लाह दुनिया उनको जहाँ पे जाते हैं इज्जत लोग करते हैं, अल्लाह ने नवाजा होगा। अच्छा जी, और रियाज साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सरकार, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। अच्छा जी, फिर वो बात की है ना इन्होंने, उन्होंने चौहान साहब वाली, देखो ये भी अल्लाह ने इज्जत दी है उनको, मैं भी गया था और बड़े अखलाक से वो उन्होंने कोई, मैं गया था उनके पास, मुझे चाहिए थे 10-12 साल पहले गया था। अच्छा, 10 साल पहले। अच्छा, बेटा आदिल भी था, आदिल तो बहुत अच्छा उन्होंने किया, उन्होंने कहा आप अपनी मर्जी से निकालने कोई भी कबूतर, पर ये कुड़ों में ऐसे घुस के कोई नहीं कहता, उनकी मेहरबानी है जो बात है, तो मैंने लिए थे उनसे कुछ कबूतर आज से कोई 10 साल पहले, और फिर उनको किया है, हमें अपने हिसाब से बनाने पड़ते हैं, फिर अपने इलाके के हिसाब से, ये जैदी साहब की बात जो है ना, इलाके के हिसाब से कबूतर तैयार होता है जी, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत कॉम करता है, बिल्कुल। लाहौर में तो जो कबूतर हाइट करेगा वो बच जाएगा, जो हाइट नहीं करेगा वो उड़ जाएगा, वो उड़ गया। देखिए वो जो इन्होंने बात की ना, वो संभालने पे टाइम गुजर जाएगा, कबूतर वही अच्छा, वही अच्छा खिलाड़ी जो कबूतर को रिपीट करवाए और कबूतर को रिकवर करे, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। और जिसने अपने कबूतरों को फिरतों में बना दिया है ना जी, वो खिलाड़ी है, वो खिलाड़ी है, उसके कबूतर उड़ेंगे। अगर चौधरी सखी साहब की आप देखे ना हिस्ट्री देखे, उन्होंने मेहनत की, अपने कबूतरों को तैयार किया जी, और उड़े,
अपने घर, उसके बाद मियां नदीम बशीर वाली छत पे, उसके बाद हुसैन अंसार खान वाली छत पे मेहनत ही उन्होंने की है और अल्लाह ने इज्जत की। बिल्कुल ऐसे ये जितने बैठे हैं लाल दिन साहब, ये सारे मेहनत करते हैं अपना शौक तब पूरा कर। अगर ये मेहनत नहीं करेंगे तो शौक पूरा नहीं होगा। सिंपल सी बात है, हम टाइम देंगे तो शौक होगा, अगर हम टाइम नहीं देंगे तो गाड़ी नहीं सही चलेगी, रिजल्ट नहीं सही आएगा, नहीं आएगा। लेकिन आपको अपना पता लगता परिंदे का ना, मालक को बहुत अपने परिंदे के बारे में मालूमात होनी शुरू हो जाती, दाना सही उठा रहा है, वेट सही है, पानी खींचा है नहीं खींचा। ये कबूतरबाजी है, इसको कहते हैं कबूतरबाजी। बिल्कुल सही, मावत इसको कहते हैं, ट्रेन करने वाले को। बिल्कुल सही, मावत ट्रेन करने वाला, ट्रेनिंग जिसने दी है अगर खिलाड़ी है तो उसके कबूतर उड़ेंगे उड़ेंगे। वेरी गुड। अगर मैं कहता हूँ जी ऐसा ही सब तुसी देख लेना जी, मेरे साथ तुसी देख, मैं कहीं गया हूँ, फिर रिजल्ट भी ऐसा ही आएगा, फिर वैसा ही आएगा ना, कबूतर भी कहेंगे मैं बस आया हूँ तो गया हूँ। ना अल्लाह ने मालिक कहते हैं तो फिर कफील जो होता है, कफील को बड़ी नजर होती है। बिल्कुल, कफील की बात आई, दादी साहब अपने शिगिर्द की छत पर आए हैं आप, क्या महसूस कर रहे हैं? नहीं माशाल्लाह बड़ा इनका खलूस है आज जी, और बड़े दोस्तों को मुझे खुशी है, इनवाइट किया है, आज अच्छे दोस्तों से मुलाकात होगी जी, और मेरा भी लाहौर में जाहिर है इतना नहीं आना जाना होता जी, तो वक्त मिलता है तो फिर चक्कर लगा लेते हैं। तो आज इफ्तार पार्टी में जमा हुए थे, आए थे यहाँ पे, इनकी ख्वाहिश भी थी कि इनके पास चक्कर लगाएं, बड़े इन्होंने ज़ियाफ़त फरमाई जी। पॉइंट बताना चाहते हैं, मेरा सवाल ये है कि लास्ट में मैं कहना चाहता था, मैंने कहा शायद नहीं है, लेकिन वो आप पहले बात कर लें, लेकिन आप जो दुआ देंगे बाद में एंड में, अल्लाह पाक इनके रिजक में बरकत डाले, वो लास्ट में सभी दोस्त बल के करेंगे। कर रहे हैं आप जो बात करना चाहते थे, अभी जैसे इन्होंने बात की ना कि मालिक को खुद देखभाल करनी चाहिए, और कबूतर की कंडीशन जो है ना ये ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल सही है। तो जैसे कबूतर आपका ज्यादातर गर्मी के में ना जेठ में तल्ख हो जाता है कबूतर, बिल्कुल सही, आप जो भी खेल पानी कर रहे हैं, जो भी उसको खुराक में दे रहे हैं, वो जानवर के ऊपर जिसके भी जो भी मैमल जो भी एनिमल है ना जी, और उसका लीवर है उसकी बॉडी में और ब्लड है जी, तो उसको जो इंसान को चीज़ ठंडी लगती है उसको भी ठंडी लगेगी जी, जो इंसान को चीज़ गर्म लगती है उसको भी गर्म लगेगी। बिल्कुल सही, चाहे वो खाने में हो, चाहे वो मौसम के हिसाब से हो, किसी हिसाब से भी हो। बिल्कुल सही, ठीक है ना जी। तो कबूतर एक तो जब आपका तल्ख हो जाता है ना, अपनी बीते पतली कर लेगा और हरी कर लेगा सब, बिल्कुल सही है, ठीक है जी। और पानी पे ज़्यादा आएगा, बिल्कुल सही। अच्छा बाजा कबूतर शायद थोड़ा बर्दाश्त ज़्यादा होती है, अंदर से वो बिगड़ चुका होता है, लेकिन आपको ये नहीं महसूस हो रहा होता कि ये कबूतर तल्ख हो चुका है, क्योंकि हमारा अक्सर होता है, आपने 11 कबूतर उड़ाए हैं, जितने भी उड़ाए हैं उसमें से एक कबूतर जो पहली परवाज में 4 बजे 5 बजे बैठा है, वो दूसरे दिन सुबह बैठ जाता है दूसरे फड़क के अंदर, तो और आप जी वो पहले फड़के भी देता आ रहा है, कंटिन्यूस उड़ता, तो वो क्या वजह होती है उसकी? और ख़ास तौर से ये तीसरी चौथी फड़क में जाके ये पांचवी फड़क में ये काम ज़्यादा शुरू हो जाता है। सही है। तो आप उसको ना ऑब्जर्व करें कबूतर को, कबूतर जब बैठा होगा ना आपका, बाकी कबूतर भी बैठे होंगे जी, जो कबूतर आपका डिस्टर्ब होगा ना, उसने यहाँ नाक के ऊपर उसके बाल खड़े होंगे यहाँ। सही है। तो वो आपको कंडीशन उसकी समझ लेनी चाहिए, एल्टीमीटर उसका समझ लें, क्योंकि इसका टेम्परेचर हाई है। बिल्कुल सही है, ठीक है ना, वो कबूतर आपका बिगड़ चुका है, बिगड़ चुका है, और अगर आप उसको नहीं वापस बहाल करते तो फिर वो सुबह ही बैठा होगा, झंडी रुकते ही वो कबूतर बैठ जाएगा। बिल्कुल। या वो कबूतर नीचे रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा, या वो कबूतर ताशता रहेगा। सही है। और घंटे दो घंटे में एक दो को और को भी लेके वो बैठेगा, दूसरे को भी साथ लेके हो जाता है, तो उसको आपने चेक करना है, उसकी आप बीट को चेक करें, बीट में अगर पानी ज्यादा आ रहा है तो भी कबूतर आपका डिस्टर्ब है। सही है। और कबूतर के अगर नाक के ऊपर बाल वो बैठा हुआ है, जब भी रेस्ट कर रहा होता है कबूतर, आप सब कबूतरों को देखें जिसके बाल नाक के खड़े हुए हैं या आपने पानी रखा नीचे आए हैं, वो तब भी उसके बाल खड़े हुए हैं, तो आप समझ जाइए इसके कबूतर की तल्ख हो गया, डिस्टर्ब है, इसको कुछ ना कुछ हमें सेट करना पड़ेगा कबूतर को। ये ऑब्जर्वेशन होती है, और फिर मालिक की भी अपनी एक निगाह होती है, महावत की अपनी एक निगाह होती है, जब तक मालिक खुद इन्वॉल्व नहीं होगा ना तो शायद 100% रिजल्ट नहीं ले सके। वो सही कह रहे हैं आसफ भाई, बिल्कुल सही बात है उनकी। तो यही चीज़ें इसमें, और अपनी गलतियों से सीखता है इंसान, और जब तक वो गलतियां नहीं करेगा तो जब तक सीखेगा नहीं। बिल्कुल सही। ये नहीं कि बंदे आते ही चैंपियन बन जाते हैं या बंदे
मतलब आए वो या तो छुपे रुस्तम होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, शौक में नहीं आए होते, और जब वो आते हैं शौक में तो वो लोग कहते हैं लो जी तो पहली दफा ही आए ने थे, तो ऐसा नहीं होता, वो तैयारी तो ये सारी चीजें हैं और ये टाइम लेती है थोड़ा सा, एकदम सही नहीं हो जाता उसमें, जब तक आपके फिर साथ आपके दोस्त होने चाहिए मुखलिस, ये एक बंदे का भी काम, ये टीम वर्क होता है, टीम वर्क होता है, जिसकी टीम जितनी अच्छी बन गई और सिंसियर बन गई है बिल्कुल सही, उसको बहुत सपोर्ट मिल जाती है, बिल्कुल सही है, बस यही सिलसिला है जनाब। तो आप मेरे ख्याल में शुक्रिया अदा करें अपना रियाज साहब के लिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह मलाइकतुहु युसल्लून अला नबी या अय्युल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लम तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पहले तिलावत पहले करते हैं, आज अब रोज़ा खोलने के बाद कर रहे हैं, तो इनकी आज इफ्तार पार्टी थी रियाज साहब ने, तो अल्लाह इनके रिस्क में बरकत दे, आमीन, और दीनी और दुनियावी इनकी हाजात को पूरा करे, आमीन, इनको बच्चों की खुशी अदा करे, आमीन, और जो भी दोस्त हमारे अब आप यहाँ पे इफ्तार पार्टी पर आए हैं, जो डिनर पे आए हैं, इनके लिए सबकी इबादतें और जो भी रमज़ान के रोज़े हैं ये सबको कबूल फरमाए, आमीन, और हमारे आने को भी कबूल फरमाएं, आमीन। तो बहरहाल बहुत अच्छी गैदरिंग हुई है, बहुत मजा आया, तो इंशाल्लाह दिल करता है दोबारा मुलाकात होती रहे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।